ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा चमत्कारी फोटो वशीकरण मंत्र जिससे कि आप अपने साथी को मात्र एक फोटो की सहायता से वशीभूत कर सकते हैं। और ये बड़ा ही सरल है। कई बार ऐसा होता है कि मंत्र लंबा हो जाता है तो उसमें दिक्कत हो जाती है, लेकिन ये बड़ा ही छोटा सा मंत्र है जिसको कि कोई भी कर सकता है। यदि मन में सच्चा प्यार हो और उसके बाद इस मंत्र को लगा दिया जाए तो ये 100% काम करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत सी मेल आती हैं, बहुत सी ऐसी क्वेरी आती है जिनमें कि पूछा जाता है कि गुरुजी कोई ऐसा मंत्र बताइए जिससे कि फ़ोटो से वशीकरण हो जाए, कुछ ऐसा हो कि मैं फ़ोटो पर या मोबाइल में फ़ोटो देखकर उस पर मंत्र पढ़ दूं तो मेरे साध्य जो हैं वो मेरे वश में हो जाएं और मुझसे बात करना शुरू कर दें। तो देखिए, बहुत ही प्राचीन, बहुत ही गुप्त ये मंत्र मैंने शायद से पहले भी आपको बताया होगा। और ये मंत्र ऐसा है जो कि सदियों से छुपा पड़ा था, लेकिन जब इस पर रिसर्च हुआ, जब इस पर हमने शोध किया तो पाया कि ये सटीक काम करता है। जिस जिसको ये मंत्र दिया गया इसने भरसक प्रयास किए और इसने ऐसे ऐसे रिजल्ट दिए हैं जिसको कि समझाना मुश्किल है। एक ही दिन में, एक ही बार में, ऐसा भी कोई मंत्र होता है जो एक ही बार में काम कर जाए, वो ये मंत्र है। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है, इसकी ये विशेषता है कि ये बहुत छोटा है जिसको कि सुगमता से कोई भी जप सकता है। आपको क्या करना है कि जब भी आप इस मंत्र का प्रयोग करना चाहें उससे पहले आपको सात्विक होना है। जो भी मेरे साधक हैं वो सारे सात्विक हैं, लेकिन जो अभी नए आए हैं जिनको नहीं पता किस तरह से इसको किया जाता है, तो सबसे पहले आप जो है सात्विक होइए। अपने विचारों से, अपने विचारों में कोई भी ऐसा विचार ना आने दे जो कि आपकी साधना को भंग कर दे। अपनी दृष्टि से भी आपको सात्विक होना पड़ेगा, अपने आहार से भी। आपका जो आहार होगा उसमें कंदमूल ही होना चाहिए, फूल पत्ते सब्जियां, फल, बस यही होना चाहिए। किसी भी प्रकार का मादक पदार्थ, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, मांस मदिरा, इन सब से मनाही है। इनका प्रयोग ना करें, कतई ना करें, क्योंकि यदि आप इनका सेवन करते हैं तो ये बिल्कुल काम नहीं करेगा। इसके बाद आपको एक योग देखना है, गुरु पुष्य योग। जब ये नक्षत्र हो उस नक्षत्र में 11,000 आपको इस मंत्र का सुबह के समय जाप कर देना है। और जब आपको अपने महबूब की याद आए, अपने प्रेमी, अपने साथी की याद आए, तो एक बार इस मंत्र को 111 की संख्या में आपको जप देना है फोटो के ऊपर। तो सामने वाला साध्य जो कहीं पर भी, चाहे दूसरे ही देश में क्यों ना रहता हो, वो भी तड़प उठेगा आपके लिए। और ऐसा मैंने एक नहीं, लाखों लोगों पर आजमाने के बाद आपको बता रहा हूँ। ये गूढ़ रहस्य है जो कि लाखों रुपए खर्च करने पर भी कोई ना बताए, किंतु जो मेरे साधक हैं उनके लिए इस विद्या को मैं लुप्त होने नहीं दे रहा। मैं चाहता हूँ कि ये जो जितने भी मंत्र जो सटीक काम करते हैं वो मैं आप सबको दूँ। और आप भी देखिए कि तंत्र में आज भी वो शक्ति है जो कि प्राचीन काल में थी। तो जो प्रोसेस बताया गया है उसी प्रकार से कीजिएगा, उसी भली प्रकार से आप करेंगे तभी ये काम करेगा, अन्यथा सब व्यर्थ है। तो जैसे मैंने बताया, सबसे पहले तो आपको गुरु पुष्य योग देखना है, उसके बाद आपको प्रातःकाल 11,000 बार इसको सिद्ध करना है। सिद्ध करने में बहुत कठिनाइयाँ होती हैं, हर कोई सिद्ध नहीं कर पाएगा, और जिसे आता है सिद्ध करना वो करे, अन्यथा एक बार कॉल करे 9992841625 पर और परामर्श ले कि किस तरह से मंत्रों को सिद्ध किया जाता है, उसके बाद इसका प्रयोग करे। क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। एक बार गुरु से, गुरु मुख से मंत्र लीजिए
और फिर देखिए किस तरह से जहाँ पर अंधकार था वहाँ प्रकाश हो जाएगा। तो मंत्र है नमः कंदर्प सर, नमः कंदर्प सर। देखिए कितना छोटा सा है, इसे कोई भी कर सकता है लेकिन हर किसी के बस की बात नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो कहते हैं कि वो कर सकते हैं वो कर पाएंगे, जो कहते हैं कि नहीं कर सकते वो नहीं कर पाएंगे। जो भी आप अपने मन मस्तिष्क में छवि बना लेते हैं सब कुछ वही होता है। यदि आप सकारात्मक सोच के साथ इस मंत्र को करेंगे तो ये आपके सारे कार्य जो हैं वो सफल कर देगा, अन्यथा आप अपना समय वेस्ट कर रहे हैं। तो ये करना कैसे है, सबसे पहले गुरु पुष्य योग देख लीजिए और लाल रंग के वस्त्र पहन लीजिए, अपना सिर जो है लाल कपड़े से ढक लीजिए और आपका जो आसन होगा वो भी लाल रंग का होगा, ऊनी आसन। वैसे इस प्रयोग में मृगचर्म का प्रयोग होता था लेकिन आज के युग में मृगचर्म मिलना बहुत ही कठिन है और 99% लोगों के पास नहीं होगी, तो आप इसमें ऊन का आसन ले सकते हैं लाल रंग का। जो दिशा होगी वो होगी पूर्व की तरफ, पूर्व की तरफ मुख करके बैठ जाइए और इस मंत्र का 11,000 बार जाप करना शुरू कर दीजिए। जाप करते करते आपको किसी भी अन्य विचार को नहीं लाना है मन में, आपका जो विचार होगा जो आपको चाहिए सिर्फ वही आना चाहिए, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ आपका जो मस्तिष्क है वो उसे आने नहीं देगा। आपके भीतर भिन्न भिन्न प्रकार के थॉट्स आएंगे, उनको दूर कीजिएगा, बस मंत्र पर ध्यान लगाइए और जिस कार्य के लिए आप ये कर रहे हैं उस पर ध्यान लगाइएगा, तो कुछ ऐसा घटित होगा जो कि अलौकिक होगा, आपको अपने आप से साक्षात्कार करा देगा ये मंत्र, आपको कुछ ऐसा दिखेगा जो कि अलौकिक होगा, कुछ ऐसा जो कि आपकी ज़िंदगी बदल देगा, आपके भीतर एक ऐसी अलौकिक शक्ति आ जाएगी जो कि सभा मोहन का काम करेगी। इस मंत्र से आप किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, जब आप चाहें उस वक्त, बस आपको 111 बार इस मंत्र को फूंक देना है किसी भी अपने साध्य की फ़ोटो पर, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, किसी को भी ये वशीभूत कर सकता है। मैंने देखा है कि इस मंत्र ने चमत्कार कर दिए हैं, तंत्र के क्षेत्र में ये एक वरदान है, इसे आजमाएं और मुझे बताइएगा कि कितनी जल्दी इसने जो है आपके लिए काम किए। आप मुझे कुछ पूछना हो, कहीं पर कोई त्रुटि हुई हो तो ईमेल कर सकते हैं info@mohiniwidya.com। यदि कुछ सलाह चाहिए, कुछ पूछना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 9992841625 पर। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि इस मंत्र को करने से पहले सात्विक हो जाएं और किसी का अनिष्ट करने के लिए, किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए इस मंत्र का प्रयोग ना करें। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, ये मंत्र ज़रूर फलित होगा, एक बार आजमाएं और फिर मुझे बताएं किस तरह से इसने आपके लिए काम किया। धन्यवाद।